क्या आप जानते हैं कॉप आउट ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए कॉप आउट ऑफ। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अक्सर हमें अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम कहते हैं कोई इंसान किसी काम को करने से बच रहा है, या कोई इंसान किसी काम को करने से जी चुरा रहा है, या कोई इंसान किसी काम को करने से कतरा रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं किसी काम को करने से बचना, या किसी काम को करने से कतराना, या किसी काम को न करने का बहाना करना को बोलने के लिए आप कोप आउट ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको ये बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। अगर आपको कहना हो वह घर के काम से बचने के लिए अक्सर कॉलेज जाती है, यानी घर का काम न करना पड़े इसलिए वो कॉलेज जाती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी ऑफन गोज टू कॉलेज टू कोप आउट ऑफ हर होमवर्क, यानी वह अपने घरेलू कामों से बचने के लिए अक्सर कॉलेज जाती है। अगर आपको कहना हो आप अपनी जिम्मेदारियों से कतरा नहीं सकते हैं, या आप अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कांट कोप आउट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आप अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते हैं या उसे कतरा नहीं सकते हैं। अगर आपको कहना हो बहाना करने की कोशिश मत करो यह कहते हुए कि मैं बिजी हूँ, या बचने की कोशिश मत करो मुझे ये कहते हुए कि तुम बिजी हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट ट्राई टू कोप आउट ऑफ बाय टेलिंग मी यू आर बिजी, यानी बचने की कोशिश मत करो, या कतराने की कोशिश मत करो, या बहाना करने की कोशिश मत करो मुझे ये कहते हुए कि तुम बिजी हो। अगर आपको कहना हो वह काम से बचने के लिए बाहर चला गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वेंट आउट टू कोप आउट ऑफ हिज वर्क्स, यानी वह अपने कामों से बचने के लिए बाहर चला गया, यानी वह जगह छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि कोप आउट ऑफ का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो किसी काम को करने से बचना, या किसी काम को न करने के लिए बहाना करना, या किसी काम को करने से कतराना। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए।